अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है पर्पल कैबेज कटलेस। पर्पल कैबेज के बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगी। 3 बड़े बॉईल किए हुए मैंने पोटैटोस लिए हैं, इसे हमें मैश करना है। उसी के साथ मैंने 300 ग्राम पर्पल कैबेज लिया है। कैबेज को भी हमें बारीक चॉप करना है। पर्पल कैबेज कुदरत का एक नायाब खजाना है। ये पर्पल कैबेज दिखने में जितनी ब्यूटीफुल लगती है, उतने ही इसके बेनिफिट भी है। इस पर्पल कैबेज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खून के कमी को भी पूरा करती है और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी बचाती है। और ये पर्पल कैबेज न्यूट्रिशन का तो खजाना है। वैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, और इस पर्पल कैबेज को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सलाद में भी यूज़ करते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है, और सर्दियों के मौसम में तो इसका सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इतने सारे बेनिफिट इस एक सब्जी में, तो इसे खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो रेसिपी बनाते हैं। पोटैटोस को मैंने अच्छे से मैश किया है, और कैबेज को भी मैंने अच्छे से बारीक चॉप किया है। तो चलो आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। बाउल में हमें मैश किए हुए पोटैटोस को लेना है। उसी के साथ हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ कैबेज भी ऐड करेंगे। एक बड़ा ऑनियन लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप किया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और उसी के साथ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन का आटा लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 ब्रेड को मैंने टोस्ट करके उसकी पाउडर बनाई है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और उसी के साथ 1/2 स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। इस सारे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। मैंने स्क्वायर शेप में कटलेट्स बनाए हैं, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कटलेट्स फ्राई करेंगे। पर्पल कैबेज कटलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। टोमेटो सॉस के साथ खाने में वाव, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। ये 1 साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे आराम से पलट लेंगे। 1 साइड से बहुत ही अच्छे फ्राई हो चुके हैं ये। हमारे कटलेट्स बनके बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, मेरी ये पर्पल कैबेज कटलेट्स रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।